और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट में बदसलूकी के मामले में आरोपी शंकर मिश्रा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी के लिए उन्हें पुलिस कोर्ट लेकर जा रही है, जानकारी मिल पा रही है। बेंगलुरु से उनकी गिरफ्तारी हुई, दिल्ली उन्हें लाया गया है, पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी होगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद अब आरोपी इस पूरे मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। बेंगलुरु से सुबह ये गिरफ्तारी हुई, थोड़ी देर बाद इन्हें दिल्ली लाया गया, दिल्ली के बाद अब इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट में आरोपी ने बदसलूकी की थी, अवमानना कहीं ना कहीं की थी रूल्स की, और उसके बाद ये पूरा मामला जो है इसने तूल पकड़ा, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, आरोपी शंकर को गिरफ्तार किया गया है और थोड़ी देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। सेना की इस एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर तालिबानी और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी भी हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। इसी तरह पाकिस्तानी सेना ने दक्षिणी वजीरिस्तान के एक इलाके में भी हवाई हमला किया, जिसमें तहरीके तालिबान के दो आत्मघाती हमलावरों के साथ 11 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। और पाकिस्तान का दावा है कि उसकी इस कार्रवाई में टीटीपी का कमांडर हाफिजुल्ला उर्फ तूर भी मारा गया। असल में कुछ रोज पहले पाकिस्तान की सरकार ने टीटीपी को उखाड़ फेंकने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू करने की मंजूरी दी थी। जब पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने ये धमकी भी दी थी कि अगर अफगानिस्तान के तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में घुसकर हमला करेगी, क्योंकि टीटीपी ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है बल्कि वो लगातार सेना के अधिकारियों को निशाना भी बना रहा है, जिससे पार पाने के लिए पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधर पाकिस्तान के सैनिक से तालिबान की बर्बरता का रूख कपा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसे पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह ने शेयर किया। ये वीडियो कब का है ये पता नहीं चल पाया, लेकिन इसने तालिबान से नाराज चल रहे पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया, क्योंकि विचलित कर देने वाले इस वीडियो में तालिबान का क्रूर चेहरा नजर आया। वीडियो शेयर करने वाले पाकिस्तान मूल के लेखक तारिक फतेह ने दावा किया कि तालिबान लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी सैनिक को बेरहमी से मार डाला। रूह कपा देने वाले इस वीडियो में सूली से लटका शख्स पाकिस्तान का झंडा ओढ़े दिखा और एक तालिबानी लड़ाका उसके शव को हिलाता नजर आया। क्रूरता यही नहीं रुकी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद शव पर गोलियां चलाई गईं, जिनकी तड़तड़ाहट दूर तक सुनाई दी। और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो पाकिस्तानी सैनिक के शव पर ईंट फेंकी गई। ये वीडियो कितना पुराना है ये नहीं पता, लेकिन इसे देखकर पाकिस्तान का खून जरूर खौल उठेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में सरकार बनाने वाले तालिबान पाकिस्तान से दोस्ती का दम भरते थे और उन्होंने पाकिस्तान से वादा किया था कि अफगानिस्तान की जमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ये कलेजा कपा देने वाला वीडियो देखकर लगता है कि तालिबान अपने वादे से मुकर गए। पाकिस्तानी तालिबान के मुद्दे पर वैसे ही अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच ठनी हुई है। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान में घुसकर उन्हें मारने की धमकी